बरसात के मौसम में क्या होता है, आपका सिलाई मशीन जो पायदान होता है, स्टैंड होता है, इसमें जंग लगने लगता है। लोग कहते हैं कि अभी तो जंग लगकर खराब हो जाएगा, मगर आपको ऐसा चीज बताने वाला हूं, देखिएगा यहाँ पे वासलीन का इस्तेमाल करिएगा, वासलीन का, और यहाँ पे देख लीजिए गरी के तेल का। अब इस दोनों को मिला लेना है, और मिलाने के बाद किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे आप बरसात के मौसम में अपने स्टैंड को, अपने पायदान को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं वासलीन, ले रहे हैं यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से वासलीन को निकालेंगे, और यहाँ पे वासलीन निकालने के बाद में यहाँ से देख लीजिए, और बना चुका हूं मैं, इसके पहले बना करके दोस्तों दूसरे मशीन में लगाया था, स्टैंड में लगाया था, क्योंकि बरसात के मौसम में हम सबके सिलाई मशीन में जब जंग लग जाएगा तो बिकेगा ही नहीं, स्टैंड में जंग लग जाएगा तो बिकेगा नहीं। देख लीजिए जितना आप वो चीज मिलाएंगे वासलीन, उतना ही आपको तेल मिलाना है ये घड़ी का, और दोनों को क्या करना है, फेंट लेना है इस तरीके से, देख लीजिएगा आप दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से फेंट लेना है। और आप सब सोचते होंगे कि जब सिलाई मशीन खरीदने जाते हैं तो वहां पे सब चमकता रहता है, वहां पे तो जंग नहीं लगता है, ऐसा क्यों? दोस्तों हम सब ये सब चीज का इस्तेमाल बराबर करते हैं, क्योंकि हम सबको सिलाई मशीन बेचना है, बरसात के मौसम में बहुत देखभाल करते हैं उसका, आप सब ले जाकर के घर पे रख देते हैं, उसका देखभाल नहीं करते हैं, तो सिलाई मशीन के पावदान में, स्टैंड में, मतलब और आपके सिलाई मशीन में जंग लग जाता है, तो आप सिलाई मशीन में भी लगा सकते हैं और यहाँ स्टैंड में भी लगा सकते हैं, अगर आपका कैंची वगैरह जो है जंग लग जाता है उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिला लीजिएगा यहाँ से, यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से मिला लीजिएगा यहाँ से, और मिलाने के बाद में आपको एक छोटा सा ऐसे कपड़ा ले लेना है, छोटा सा कपड़ा ले लेना है यहाँ से देख लीजिएगा, और कपड़ा ले लेना है, कपड़े में आपको इसको थोड़ा सा लगा लेना है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे लगाएंगे जैसे तो इस कपड़े में लग जाए अच्छे तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आपको लगा देना है, देख लीजिए इस तरीके से आपको पूरे पायदान में, पूरे स्टैंड में लगाना है, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको लगा देना है, देख लीजिए इस तरीके से जब आप लगा देंगे तो आपका जो स्टैंड है, पायदान है, ये दोस्तों आपका जंग नहीं लगेगा और जंग से आप बचा सकते हैं। आप बरसात के मौसम में दोस्तों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर कोई भी लोहे का सामान होता है तो उसमें जंग लग जाता है, और आप सब परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी तो जंग लग गया तो ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप उसका देखभाल करिएगा, उसका व्यवस्था करिएगा, तो आपके सिलाई मशीन के पायदान में जंग नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लगाते रहिएगा, और कम से कम दोस्तों महीने में, ना तो महीने में नहीं दोस्तों, एक हफ्ते में कम से कम एक बार लगाना जरूरी है, हफ्ते में अगर एक बार लगाएंगे तो आपका जो पायदान है, स्टैंड है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से देख लीजिए सब चीज को लगा देना है इस तरीके से, इस तरीके से बना लीजिएगा, और इस तरीके से आप पूरे पायदान में लगा दीजिएगा, देख लीजिए किस तरीके से शाइनिंग आ रहा है, कितना अच्छे से चमक रहा है दोस्तों, यहां से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बना करके लगा लीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन पे एक छोटा सा वीडियो भी आ रहा है, उस वीडियो को देखिएगा, अभी लास्ट में स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा, वो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।